बिटकॉइन में जो रिकवरी हमें देखने को मिल रही थी लास्ट कुछ टाइम से, वो अब एंड होती हुई दिख रही है। और जो बिटकॉइन का लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है हमें चार्ट पर। बिटकॉइन में गिरावट के साथ ही ओल्ड कॉइन में भी हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। ETH, मैटिक, एडा सभी में हमें अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी बिटकॉइन का प्राइस $21,300 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अब बिटकॉइन के लिए नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बिटकॉइन के डेली चार्ट पर आप देख सकते हो 24,500 से 25,000 की जो रेंज है उसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम किया है और उसी के अराउंड 100 डे मूविंग एवरेज भी है। बिटकॉइन ने अपने इस रेजिस्टेंस रेंज को कई बार ब्रेक करने की कोशिश भी की बट ऐसा हो नहीं पाया, जिस वजह से बिटकॉइन में हमें शार्प गिरावट देखने को मिली है और बिटकॉइन का प्राइस फ्राइडे को 10% तक टूट गया था। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है दोस्तों वो सभी 17,000 से 20,000 की रेंज में ही है और एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट आप 20,000 को भी देख सकते हो जिसे बिटकॉइन ने अभी होल्ड करके रखा हुआ है। 18,000 से 25,000 की जो रेंज है दोस्तों वो बिटकॉइन के लिए कंसोलिडेशन फेस है। अगर हम बुल मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन जब तक 100 DMA एंड 200 DMA तब तक बुल मार्केट स्टार्ट नहीं हो सकता है और ये दोनों मूविंग एवरेज ही सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन के चार्ट को 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखें तो 25,000 के लेवल को होल्ड करने में बिटकॉइन फेल रहा है और जैसे ही इसमें गिरावट देखने को मिली इसने अपने फर्स्ट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया और अभी बिटकॉइन सेकंड सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है जहां से बिटकॉइन में गिरावट अभी रुक चुकी है। अगर सेकंड सपोर्ट लेवल भी ब्रेक होता है तो थर्ड एंड फोर्थ सपोर्ट लेवल आप चार्ट पर देख सकते हो, वही बिटकॉइन के लिए नेक्स्ट टारगेट होंगे और बिटकॉइन एक बार फिर से अपने लो 17,500 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। इसके अलावा RSI इंडिकेटर भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच गया है। बिटकॉइन का ओवरऑल चार्ट दोस्तों अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। लास्ट 1 वीक में आई गिरावट को देखें तो बिटकॉइन में 13%, इथीरियम एंड एडा में 19% की गिरावट आ चुकी है। ये था दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की। फर्स्ट न्यूज़ है NFT से रिलेटेड। बोर्ड एप याच क्लब NFT इथीरियम फ्लोर प्राइस ड्रॉप टू 8 मंथ लो। अकेले क्रिप्टो में ही दोस्तों बियर रन नहीं चल रहा है, NFT मार्केट में भी बियर रन चल रहा है, जिस वजह से वन ऑफ द बेस्ट NFT कलेक्शन बोर्ड एप का प्राइस 8 मंथ के लो पर है, 66 ETH के अराउंड। बोर्ड एप ने अपना ऑल टाइम हाई 153.7 ETH को टच किया था लास्ट ईयर में। अगर आप इंटरेस्टेड हो NFT बाय करने में तो NFTs का प्राइस अभी काफ़ी डाउन आ चुका है इस बियर रन में। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, रोनिन हैकर्स हैव मूव द स्टोलन $625 million टू बिटकॉइन नेटवर्क। मार्च में दोस्तों रोनिन वॉलेट हैक कर लिया था हैकर्स ने और वहां से $625 million के USDC कॉइन चुरा लिए थे। इसे अब इथीरियम से बिटकॉइन नेटवर्क पर ट्रांसफ़र किया गया है। फर्स्ट उन्होंने इथीरियम से टर्नेडो कैश में ट्रांसफ़र किए और अब बिटकॉइन पर, जिस वजह से इन ट्रांजेक्शन को ट्रेस करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों FTX एक्सचेंज से रिलेटेड। FTX इंक्रीज रिवेन्यू बाय 1000% इन 2021 एंड 22 लुक्स इवन बेटर। FTX क्रिप्टो की रिपोर्ट निकल कर आई है कि FTX के रिवेन्यू में 1000% की ग्रोथ हुई है 2021 में, जो है $89 million से $1,020 million। ये एक लीक डॉक्यूमेंट से पता चला है। 2021 में FTX का रिवेन्यू बस $14 million था और रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि 22 लास्ट ईयर से भी बेटर होगा। जिन लोगों ने FTX कॉइन बाय कर रखा है उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो और सिर्फ ₹100 से क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ है दोस्तों, NFL टीम होस्टन टेक्सन नाउ एक्सेप्ट बिटकॉइन पेमेंट फॉर गेम सूट्स। NFL टीम होस्टन टेक्सन ने बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जो दिखाता है बिटकॉइन के बढ़ते अडोप्शन को और ये क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। यह था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।